हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी रामडाल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में फ्रिक्वेंसली पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ कैसीन प्रोटीन हैज मैक्सिमम क्वांटिटी इन मिल्क प्रोटीन। इसने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, मिल्क में कैसीन प्रोटीन में कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा कैसीन, बी ऑप्शन है बीटा कैसीन, सी ऑप्शन है गामा कैसीन और डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज। देखो, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपने आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है वो होता है कैसीन। उसके अलावा कैसीन के अलावा भी कुछ और प्रोटीन देखने को मिलती है, जैसे लैक्टो एल्बुमिन और उसके अलावा लैक्टो ग्लोबुलिन। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में प्रोटीन देखने को मिलेगा मिल्क में वो 81 से 83% तक कैसीन देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है वो भी कैसीन के कारण ही होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा कैसीन की फॉर्म है वो सबसे ज्यादा मिल्क में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फा कैसीन, यानी एक नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटीन कंटेंट इन स्किम्ड मिल्क, जिससे अपने फैट रिमूव कर दी है, स्किम्ड मिल्क उसको बोलेंगे, और स्किम्ड मिल्क में कितना प्रोटीन कंटेंट होता है। ए ऑप्शन है 2.5%, बी है 0.1%, सी है 0.7%, डी है 25.8%। यहां पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2.5%, यानी सेकंड क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें अपने, थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फैट कंटेंट इन गोट मिल्क, बकरी के दूध में फैट कंसंट्रेशन कितना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से एनिमल के मिल्क में सबसे ज्यादा फैट होता है, वो शिप में होता है। शिप में जो फैट कंटेंट होता है वो 7.9% होता है, लेकिन यहाँ गोट का पूछा है तो यहाँ ए ऑप्शन है 3.25, बी ऑप्शन है 4.25%, सी ऑप्शन है 5.25%, डी ऑप्शन है 6.29%। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी गोट के मिल्क में फैट कंटेंट होगा 4.25%, राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मिल्क पीएच, मिल्क का पीएच कितना होता है। देखो, मिल्क होता है वो हल्का एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जब थनेला, मेस्टेटिस या फिर चिल ऑफ वेडर जो डिजीज हो जाता है, अगर वो हो जाता है तो जो मिल्क होता है उसका पीएच कुछ बेसिक हो जाता है, लगभग 7.4। लेकिन जनरली जो मिल्क होता है वो लाइटली एसिडिक होता है। अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो मिल्क का पीएच होता है 6.4 से लेकर 6.7। यहाँ अपने बीच की रेंज देखो कौन सी दी हुई है, 6.4 से 6.7 होता है। ए 5.5, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बी है 7, न्यूट्रल कभी नहीं होता है। सी ऑप्शन है 6.6 और डी ऑप्शन है 13। इस हिसाब से अपना राइट आंसर होगा सी, 6.6। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट मैं बात करूं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ग्रुप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन फैट। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। फैट में कौन सा विटामिन, जो फैट सॉल्युबल है वही फैट में विटामिन है। देखो, ए बी सी डी ई और के जो विटामिन है, इनमें से बी व सी वाटर सॉल्युबल है और ए डी ई के ये जो अपने चार विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है। देखो, वाटर सॉल्युबल कौन से हुए, वाटर सॉल्युबल बी और सी है, बाकी जो बच गए वो फैट सॉल्युबल है और वो ही राइट आंसर होगा। देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी डी के नहीं है, ऑप्शन बी है वो है सी डी ई के नहीं है, क्योंकि सी वाटर सॉल्युबल है। ऑप्शन सी देखो, के ई डी ए, यहाँ ऑप्शन जो सॉरी विटामिन है उनको जो इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है वो सेट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पहले के लिख दिया फिर ई लिख दिया, यानी पर्टिकुलर अपने बोलें तो ये ही ग्रुप ए डी ई के, या अपने उल्टा बोल दें के ई डी जो है वो ही फैट सॉल्युबल है। तो पांचवें का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। दोबारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच वन ग्रुप ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन फैट, फैट में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है जो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल है ए डी ई के, ये चार है फैट सॉल्युबल है, और बी और सी जो है वो कौन से है, वाटर सॉल्युबल है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, के ई डी सी ए जो दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं सिक्स नंबर क्वेश्चन,
सिक्स नंबर क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोले तो खीस बोल देते हैं, खीस क्या होता है, जस्ट डिलीवरी के एनिमल लाइफ स्टॉक की डिलीवरी के जो 10 डेज तक लैक्टेशन निकलता है उसको अपने कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और उसके बाद है उसको मिल्क बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रम होता है वो न्यू बोर्न जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, रेसिस्टेंट इम्यून पावर जनरेट यानी इम्यूनिटी जनरेट करता है, उसके अलावा जैसे पेट वेट है उसको भी साफ करता है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो मिल्क के कंपेयर में अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है। यहाँ पे पूछा है फेट का जो सॉरी कोलेस्ट्रम का खीस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या डेंसिटी है वो पूछी गई है। तो देखो 1.028 ये तो मिल्क की है, 1.016 इतना कम नहीं होता है, सी ऑप्शन है 1.04% और डी ऑप्शन है 1.03%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1.04। वास्तव में अगर कोलेस्ट्रम की अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने जाओगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या डेंसिटी जो होती है 1.04 से लेकर 1.08 तक होती है। ये यहाँ पे जो फर्स्ट डेंसिटी है ये काउ मिल्क की होती है 1.028 से 1. देखो काउ मिल्क की अगर आपसे डेंसिटी पूछ ले तो होती है 1.028 से लेकर 1.030 तक होती है, ये काउ मिल्क की डेंसिटी होती है। और अगर बफेलो मिल्क की पूछ ली जाए तो बफेलो मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो 1.030 से लेकर 1.032 तक होती है, ये काउ मिल्क की होती है। अगर आपसे कोलेस्ट्रम की पूछ ले, खीस की पूछ ले तो खीस की होती है वो होती है 1.04 से लेकर 1.08% तक होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, देखो बी ऑप्शन है ये तो अपने किसी भी मिल्क प्रोडक्ट से मैच नहीं करता है, डी ऑप्शन है इसमें दिया 1.037 स्कैम्ड मिल्क क्या जिसको अपने सेपरेटा दूध बोल देते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है जिसे फेट रिमूव कर लेते हैं अपने स्कैम्ड मिल्क उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.037। तो यहाँ पे मैंने काउ मिल्क की बता दी, पफेलो मिल्क की बता दी, ये कोलेस्ट्रम की भी बता दी, ये स्कैम्ड मिल्क की बता दी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्टिव डेंसिटी ऑफ कोलेस्ट्रम तो 1.04% होता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, पूछा क्वेश्चन में कोलेस्ट्रम का है लेकिन ये जो मैंने चारों डेंसिटी बताई इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर अगर नेक्स्ट में बात करूं तो 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ऑयल प्रोवाइड टू न्यू बोर्न कॉप एबसेंट ऑफ कोलेस्ट्रम, जब कोलेस्ट्रम नहीं दे पाते यानी मान लो जो मदर है वो बीमार पड़ जाए या किसी कारण से अपने उसको कोलेस्ट्रम नहीं दे पाते हैं तो उस जगह अपने क्या करेंगे, कोलेस्ट्रम की जगह किसका ऑयल देंगे वो कोलेस्ट्रम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अपने ए ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल नहीं देंगे, सनफ्लावर ऑयल भी नहीं देंगे, सी ऑप्शन ग्राउंडनट ऑयल भी नहीं देंगे, डी ऑप्शन राइट है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल है वो ही अपने कोलेस्ट्रम की जगह काम में ले सकते हैं जो पेट वेट साफ करने का काम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन फैक्टर बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटल एंड बफेलो मिल्क, देखो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या कर सकता है, काउ और बफेलो जो मिल्क है उसके बीच में डिफरेंस जनरेट कर सकता है, देखने से ही पता लग जाए। अगर आपने कभी नोट किया है तो काऊ का मिल्क होता है उसमें थोड़ा येलोइश कलर ज्यादा होता है और जो बफेलो मिल्क होता है उसमें कम होता है। तो देखो मिल्क होता है उसमें विटामिन ए होता है, वो केरोटीन की फॉर्म में होता है और केरोटीन येलो कलर देगा। तो यहाँ पे देखो विटामिन, वास्तव में केरोटीन विटामिन भी है, हो सकता है ये क्वेश्चन, सॉल्ट नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, केरोटीन, यहाँ आपने स्पेशल केरोटीन ही दे रखा है तो हम विटामिन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। राइट आंसर कौन सा होगा, केरोटीन, काउ मिल्क में केरोटीन जो होता है वो बफेलो मिल्क से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए जो काउ मिल्क है वो येलोइश कलर लिए होता है। नेक्स्ट सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन कंपोनेंट्स हैज मोर क्वांटिटी व्हेन द ग्रीन पाउडर इज मोर इन राशन ऑफ एनिमल्स, देखो यहाँ ये पूछा गया है कि अगर अपने ग्रीन जो फोडर है वो ज्यादा देंगे तो उस राशन के अंदर एनिमल को कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा मिलेगा, ऑप्शन है केरोटीन, बी ऑप्शन है मिनरल्स, सी ऑप्शन है लैक्टोज और डी ऑप्शन है फैट।
देखो जो ग्रीन फाउडर होता है वो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो विटामिन ए यानी कैरोटीन मिलता है। यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, यानी विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए बोले तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे ग्रीन पाउडर में जो विटामिन ए होता है वो रेटिनल फॉर्म में होता है, कैरोटीन फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जो एनिमल में जाएगा वो तो विटामिन ए फॉर्म में ही जाने वाला है ना, तो यहाँ पे अपने विटामिन ए बोल सकते हैं। कैरोटीन ना लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, विटामिन ए ज्यादा लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन, अगर जो एनिमल फाउडर है उसके अंदर अपने ग्रीन फाउडर ज्यादा काम में लेंगे या एनिमल जो फूड है उसमें ग्रीन फाउडर ज्यादा काम में लेंगे तो एनिमल ज्यादा क्या लेगा, वो लेगा विटामिन ए सबसे ज्यादा लेगा। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो बनेगा ए ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट मैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन पुट मिल्क आफ्टर मिल्किंग, यानी दूध निकालने के बाद दूध को अपने रखते हैं, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन मिल्क रिलेटिव डेंसिटी, यानी दूध निकाल के आपने सीधा दूध को रख लिया है, रखने के बाद जो डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेम ही रहने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, नन ऑफ दिस, कोई सा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है डिक्रीज, जो डेंसिटी होती है वो हमेशा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मिल्क रिलेटिव डेंसिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, अगर आप वाटर मिक्स कर देते हो मिल्क में तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो मिल्क मिक्स करने से दूध पतला होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी, क्योंकि मिल्क की डेंसिटी है वो मैंने बताया 1.028 से लेकर 1.032 तक है, चाहे वो काऊ का है चाहे बफेलो का है, मैंने एवरेज बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर पानी मिलाएंगे, पानी की डेंसिटी तो एक ही है, पानी की डेंसिटी, पानी ऐड करेंगे तो दूध पतला होगा और डेंसिटी कम होगी, तो 11 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डिक्रीज होती है डेंसिटी, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ मिल्क रिलेटिव डेंसिटी आफ्टर सेपरेटिंग ऑफ फैट, देखो फैट होता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.9 और जो मिल्क है उसकी होती है 1.028 से लेकर 1.032, तो फेट निकालोगे तो कम डेंसिटी वाला मटेरियल निकल गया और डेंसिटी बढ़ेगी और मिल्क की डेंसिटी फेट निकलने के बाद हो जाएगी 1.037, यानी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज, फेट निकालने से मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ 13 नंबर क्वेश्चन, देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन मिल्क, देखो जो मिल्क होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, लेकिन कैल्शियम होता है वो ज्यादा होता है, तो मिल्क के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस रेशियो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, ए ऑप्शन होता है 1:2, तो 1:2 सही नहीं है अपना, ऑप्शन बी है वो 2:1, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन सी 1:1 नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मिल्क के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का। राइट जो रेशियो होगा वो 1:43, यानी 143 में कैल्शियम है तो फास्फोरस वहां पर एक ही है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट मैं चलूं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखो 14 नंबर क्वेश्चन में है, वाटर कंटेंट इन कोलेस्ट्रम, जो खीस होती है उसके अंदर पानी की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे 70% ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 75%, सी ऑप्शन 80%, डी ऑप्शन 85%, तो यहाँ पे जो खीस कोलेस्ट्रम होता है उसमें वाटर होता है 75%, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ चलें, विच केमिकल स्प्रे टू प्रोड्यूस क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, अपने साफ सुथरा दूध उत्पन्न करना है तो वहां पर कौन सा केमिकल अपने स्प्रे कर सकते हैं, DDT पशुओं को मारना नहीं है अपने को, नहीं देंगे BHC भी नहीं देंगे, मेलाथियन और फोरेट इंसेक्टिसाइड, तो राइट आंसर होगा मेलाथियन, तो मेलाथियन का अपने स्प्रे कर सकते हैं अगर अपने को क्लीन मिल्क प्रोडक्शन करना है तो। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, कंटामिनेशन ऑफ मिल्क, मिल्क में कंटामिनेशन यानी मिल्क के अंदर जो अशुद्धता है वो कहां से आ सकती है, आउट ऑफ अडर, फ्रॉम अडर, अडर बोले तो अयन, अडर के अंदर से, अयन के अंदर से आ सकती है, बाहर से आ सकती है, मतलब फ्रॉम अडर, अंदर से आ सकती है बाहर से, पहला ऑप्शन तो कह रहा है बाहर से आती है, जैसे कोई कचरा गिर गया है, कोई बाल बाल हेयर वेयर गिर गया है,
या किसी तरह के कोई धूल वूल पार्टिकल्स यानी डस्ट पार्टिकल गिर गए, तो हो सकता है अंदर से, हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अभी अपने बात कितना चिल ऑपरेटर यानी जिसको अपने थनेला रोग जिसको बोलते हैं, तो उससे जो मिल्क आता है उसका पीएच भी इंक्रीज होता है, वो हेल्थी नहीं होता, तो अंदर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ए एंड बी बोथ, तो ये इस क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ग्रीमा इज ब्रीड ऑफ, देखो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ग्रीमा जो है वो किसकी ब्रीड है, काउ की, बफेलो की, शिप की और गोट की। देखो ये इतनी पॉपुलर ब्रीड नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीमा जो है वो बफेलो ब्रीड है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से थोड़ा हटके चल रहे हैं अपने। स्पॉट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी आर अनाउंसड बाय, देखो जो स्पॉट प्राइस होते हैं जिसको अपने निर्धारित मूल्य बोला जाता है, जो सरकार द्वारा डिसाइड होते हैं किसानों की जो फसल है उसको खरीदने के लिए, पर्टिकुलर हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे प्रॉपर इसके लिए टर्म्स नहीं पता है, मुझे थोड़ा इंग्लिश में पता है। स्पॉट प्राइस जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है भी इस प्राइस में अपने को वीट खरीदना है, पल्सेस खरीदने, जो भी खरीदना है उसको अपने स्पॉट प्राइस बोलते हैं। स्पॉट प्राइस को मेरे हिसाब से आधार मूल्य बोलते हैं, आधार मूल्य भी इससे कम आप नहीं खरीद सकते, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस बोलेंगे। तो स्पॉट प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नहीं करता है। दूसरा है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, राइट आंसर है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ही स्पॉट प्राइस को डिसाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, ब्लू डेंसी इज रिलेटेड टू, ब्लू डेंसी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो रिलेटेड है वो है अपनी सोरगम से रिलेटेड है। 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 नंबर यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं 20 नंबर क्वेश्चन, येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, येलो रिवॉल्यूशन पीली क्रांति किससे संबंधित है, बहुत अच्छी तरह जानते हो आप, ऑयल सीड से रिलेटेड है। देखो मिल्क से रिलेटेड व्हाइट रिवॉल्यूशन है, सीरियल से रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ऑयल सीड से रिलेटेड है वो येलो रिवॉल्यूशन है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो 4 ऑप्शन यानी डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने चलें 21 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, मैंने आपको ब्रीडिंग के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, ट्रीटी केल है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन राइट है। ये जो ट्रीटी केल है ये स्केल सीरियल और वीट के क्रॉस से तैयार किया गया है, और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो ब्रीडिंग के वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन देखो इसमें है गंगा 5 इज हाइब्रिड ऑफ, सोरगम की नहीं है, वीट की भी नहीं है और मेज की है, गंगा करके मोस्ट ऑफ जो वैरायटी है वो मेज की है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3 ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है, मेज। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिफर टू, पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्री से नहीं है, पोल्ट्री से सिल्वर रिवॉल्यूशन है, और एग्रीकल्चर नहीं है, और फूड प्रोसेसिंग से भी नहीं है, फिशरीज से है। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो कौन सा है, फिशरीज है। 23 का जो राइट ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में द एरिया रिक्वायर्ड फॉर डेपोंग नर्सरी ऑफ सॉविंग 1 हेक्टर राइस इन, 25 to 30 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए डेपोंग मेथड में। देखो डेपोंग मेथड क्या होता है, राइस के अंदर, ये फिलिपिन से डेवलप एक मेथड है, राइस के अंदर जो अपने फ्लोर फर्श वगैरह होता है उस पे जो सीडलिंग तैयार करने का तरीका होता है, इसमें जो बनाना लीफ होते हैं वो या फिर जूट बैग वगैरह डाल के उसके अंदर अपने सीड डालते हैं। तो जनरली अपने एक जो मीटर एरिया होता है, 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है, वहाँ पे लगभग अपने 2.5 से 3 किलो 2.5 से 3 kg सीड तक डाल देते हैं, और टोटल जो एरिया रिक्वायर होता है 1 हेक्टर में अपने प्लांटिंग के लिए, तो वो 30 मीटर एरिया रिक्वायर। एक तो इसकी स्पेशलिटी है एरिया कम चाहिए, दूसरी इसकी स्पेशलिटी होती है कि जो सीडलिंग होती है वो जल्दी तैयार हो जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है डेपोंग मेथड में सीडलिंग कितने टाइम में तैयार हो जाती है, तो डेपोंग मेथड के अंदर जो सीडलिंग तैयार होती है वो 11 to 14 डेज में हो जाती है, 11 से 14 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है।
नेक्स्ट अपने बात करें 25 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट सिचुएटेड सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए यानी मूंगफली की खेती के लिए कौन सी सॉइल होती है वो सबसे बढ़िया होती है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है सैंडी, बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर सैंडी लोम में भी बढ़िया होती है, क्ले लोम में ठीक होती है, सैंडी एंड क्ले लोम, लेकिन सबसे बढ़िया जो प्रोडक्शन होगा वो सैंडी सॉइल में होगा। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन राइट होगा यानी सैंडी सॉइल राइट होगा। तो इस के जो क्वेश्चन की ये अपने वीडियो सीरीज बना रहे हैं, अपने इसमें लगभग 80-100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।